जामिया मस्जिद व मदरसा अल बुरहान शहबाज टाउन फैसलाबाद में जुमातुल मुबारक के इज्तिमा में बिसिलसिला उर्स मुबारक सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बैनुल अक़वामी मुबल्लिग इस्लाम इदारा नूरुल इस्लाम इंटरनेशनल के सरबराह पीर अबू अहमद मोहम्मद मकसूद मदनी ने खिताब करते हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की सीरत बयान की। उन्होंने कहा कि वाक़िया करबला के अजीम किरदार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने सब्र व इस्तक़ामत सखावत और उफ़ो दरगुजर की वो मिसालें कायम की जो रहती दुनिया तक हमारे लिए मिशाल राह हैं। एक का नाम अली अकबर जो बड़े सबसे शहजादे थे, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनका नाम मशहूर हुआ उनका नाम था अली औस, ये दरमियाने बेटे दरमियाने अली, फिर जो सबसे छोटे थे जो कर्बला के अंदर शहीद हुए उनका नाम था अबी असगर, हजरत सैयदना इमाम अली अकबर भी शहीद हो गए, हजरत सैयदना इमाम अली असगर भी शहीद हो गए, हजरत इमाम औस जिन्हें जब अल्लाह के हुक्म से जमीन में तशरीफ लाए तो फिर हम वक्त रोते ही रहते थे अपने रब की बार बार में फरियादें करते थे। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम और सैयदना यहया अलैहिस्सलाम रब की बार बार में हम वक्त रोते थे, फिर सैयदा तैयबा ताहिरा ताहिरा आमिना मुनव्वरा मुनव्वरा जनाबे सैयदा खातिमा जन्नत सलाम अलैहा अपने बाबा के फिराक में जब सरकार मदीना ने उस सलाम जो थे वो करबला के बाद पूरी जिंदगी अपने बाबा और अपने अहलो अयाल जितने अकरबा की अजीजो अकारब की जितनी शहादतें थे उनका तज़किरा करते, फिर उनकी प्यासों का तज़किरा करते, फिर उनके साथ जो जुल्मों से हुए उनका तज़किरा करते और पूरी जिंदगी जो बकिया थी आप रोते ही नहीं। लेकिन जहां आपने ये काम किया आप पूरी जिंदगी रोते रहे वहां एक ऐसी बात है कि खुदा की कसम उन जैसा फिर दूसरा कोई नसीब से मिलेगा है ही नहीं, कायनात में मिलेगा कैसे दूसरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आपने पूरी जिंदगी मदीना मुनव्वरा जब आप तशरीफ ले आए तो फिर आपकी पूरी जिंदगी का एक मयार था, आपकी जिंदगी का एक असूल था। आप रात के अंधेरे रात के अंधेरे में मदीने के गुरबा और यतामा व मसाकीन जो हैं गरीबों यतीमों बेवाओं की इस तरीके से खिदमत फरमाते उनकी इमदाद फरमाते कि घरवाले को पता भी ना होता। अब ये कब खबर हुई जब नवे हिजरी के अंदर आपका विसाले पास हाल हुआ आपको जहर दिया गया जिससे आपका विसाल हुआ। मेरे प्यारे भाइयों जब मदीने वालों ने देखा कि आपके मुबारक पे बोरियों के उठाने के और रस्सियों के निशान हैं तो फिर लोग चीखे फिर लोग रोए
लेकिन आओ बताता हूँ आप लोग की जीनत सैयद सलात हजरत इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का दरिया के सामने खुला था, अपनों के लिए भी, घरों के लिए भी, दोस्तों के लिए भी, दुश्मनों के लिए। अब उसे कोई और जगह ना मिली, इमाम के घर की तरफ चला। जब इमाम के दरवाजे पे आया, आपने कहा आओ तशरीफ लाओ, जिस तरीके से उनका इखलाक था आपने बुलाया बिठाया। क्या जरूरत है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, ये मेरे पास सोने का नहीं है। कई बातों में या रवायतों में आता है कि 8 दिन कई में ज्यादा का दिन आता है, लेकिन आपने अपनी पेशानी से बल नहीं डाला। सब हजरात गौर से सुने, कभी हम पे भी वक्त आता है किसी रिश्तेदार से गुस्सा हो जाते हैं, कभी कोई परेशानी आती है, लेकिन उस वक्त इमाम जैनुल आबिदीन की सुन्नत को जिंदा करता। क्या हुआ, आपने उसके लिए नाराजगी का इजहार नहीं किया। वो जितने दिन रहा मोहब्बत मुस्तफा की खातर, अल्लाह की रजा की खातर उसकी खिदमत फरमाते रहे, जो कुछ उसे दे सकते थे दिया। जब वो जाने लगा तो आपने उसके लिए अच्छे अच्छे तहाइफ तो जमा है, तहाइफ अच्छे अच्छे गिफ्ट पैक किए, पकड़े, उसे दिए, और फिर नबी की सुन्नत के मुताबिक जहाँ आका करीम अलैहिस्सलाम मदीने में आने वालों को आकर विदा फरमाते थे, बाहर वहां तक आए उसको विदा करने लगे। जब विदा करने लगे तो उसकी आंखों में उस शिकर नहीं आई, आंखों में आंसू आए, तो कहने लगा आपने मुझे पहचाना नहीं। फरमाया क्यों, कहा आप अगर मुझे आप पहचान लेते तो फिर आप मेरे साथ ये सलूक ना करते। फरमाया क्यों, उसकी जबान से सुनना चाहते थे। कहा मैं वो हूं जिसने आपके वालिदे ग्रामी के सारे अक्दस को उनके जिसने मुबारक से खुदा किया था, हजरत हुसैन की शहादत में सबसे बड़ा मेरा करदार था उनको शहीद करने में। फरमाया तू क्या समझता है मुझे, तू क्या समझता है मुझे, मैंने तो तुझे पहली नजर में पहचान लिया था। अरे तू मेरे बाप का कातिल था, मेरे भाइयों का कातिल था, मेरे अभी रिश्तेदार का कातिल था, लेकिन करबला में जो किया वो तेरा कातिल था, मेरे नबी की फातिमा रहमत की था। कबल अजीम मुहतमम जामिया मस्जिद व मदरसा अल बुरहान पीर कारी मोहम्मद आशिक अली नईमी मदनी ने पीर अबू अहमद मोहम्मद मकसूद मदनी का खैर मकदम करते हुए उनकी आमद पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर इमाम मस्जिद अल बुरहान हाफिज मोहम्मद रिजवान ने खुतबा जुमातुल मुबारक पेश किया और नमाज जुमा की इमामत की। मोहम्मद नसीम शाह N4 न्यूज फैसलाबाद।